खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मई 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। भारत ने अब किस दवा कंपनी का लाइसेंस किया कैंसिल? क्या बताता है एनपीएस में सरकारी उद्यमों से आने वाले नए लोगों का आंकड़ा? और गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगे बैन का क्या हो रहा है असर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारत सरकार ने उत्तरी पंजाब राज्य में स्थित क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को किया निलंबित। अप्रैल में माशाल द्वीप समूह और माइक्रोनेशिया में भेजे गए कफ सीरप में मिलावट की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है यह कदम। क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड के कफ सीरप के एक बैच से लिए गए नमूनों में मिलावट के साथ डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मिली थी अवैध मात्रा। इनका सेवन मनुष्यों के लिए माना जाता है जहरीला और यह साबित हो सकता है घातक। राष्ट्रीय पेंशन योजना अपनाने वाले केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या मई महीने में घटकर 5 माह के निचले स्तर पर पहुंची। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक केंद्र के कर्मचारियों की एनपीएस में नए मासिक सब्सक्राइबरों की संख्या मई महीने में 42.5% से घटकर हो गई 10,081। ये अप्रैल 2023 में थी 17,459। इसके पहले दिसंबर 2022 में एनपीएस में शामिल हुए थे 9,705 नए सब्सक्राइबर्स। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में औपचारिक रूप से नई भर्तियों में कमी के मिलते हैं संकेत। दुनिया पर दिखने लगा है भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए बैन का असर। सबसे ज्यादा असर दिख रहा है अमेरिका में। अमेरिका में डिपार्टमेंटल स्टोर पर चावल की खरीद अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ी। यहां रहने वाले भारतीय और दूसरे एशियाई देशों के लोग स्टोर करने लगे हैं चावल। इसे देखते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने चावल की राशनिंग की शुरू। यहां एक परिवार को चावल का दिया जा रहा है एक बैग। कई स्टोर्स पर तो खत्म हो गया है चावल। भारत से चावल का निर्यात बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगे हैं चावल के दाम। टमाटर और सब्जियों की वजह से जुलाई में और बढ़ सकती है खुदरा महंगाई। अर्थशास्त्रियों ने माना कि जुलाई में खुदरा महंगाई दर और बढ़कर पहुंच सकती है 6.5% तक। इससे पहले जून में महंगाई दर बढ़कर हो चुकी है 4.81%। अगर खुदरा मुद्रा स्फीति बढ़ती है तब आरबीआई के लिए कठोर कदम उठाना बन जाएगा मजबूरी, क्योंकि महंगाई घटती देख आरबीआई ने पिछली 2 बार रेपो रेट में नहीं किया था कोई बदलाव। लेकिन बढ़ती महंगाई में अब आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट। खाद्य महंगाई और बढ़ने की बढ़ती जा रही आशंका। दालें, सब्जियां और अनाज के बाद अब खाने का तेल भी होने लगा है महंगा। जुलाई में अब तक सरसों तेल और पाम तेल की कीमतों में दिखने लगी है बढ़ोतरी। जुलाई की शुरुआत में सरसों तेल का मॉडल भाव 130 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर हो गया है 135 रुपए। वहीं पाम तेल का भाव भी 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर हुआ 105 रुपए। सूरजमुखी तेल के आयात भाव में आ चुकी है करीब 10% की तेजी। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट की समस्या से अब जल्द मिल सकता है छुटकारा। दूरसंचार नियामक ट्राई एक ऐसे मैकेनिज्म पर कर रहा है काम, जिससे तनाव की स्थिति में पूरी इंटरनेट सर्विस को बंद करने के बजाय केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किया जा सकेगा ब्लॉक। अभी प्रशासन के पास नहीं है कोई ऐसा मैकेनिज्म कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगाई जा सके रोक। केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि लोन रिकवरी के मामलों में दिखाएं संवेदनशीलता। बैंकों को सरकार ने दी हिदायत कि लोन की रिकवरी के लिए न उठाए जाएं कड़े कदम। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके पास इस संबंध में पहुंची हैं कई शिकायतें। कुछ बैंक लोन रिकवरी के लिए अपना रहे हैं कठोर और निर्मम तरीके। इस निर्देश के बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद बैंक लोन रिकवरी के लिए उठाएंगे मानवीय कदम। फोनपे ने अपने ऐप पर इनकम टैक्स का भुगतान करने की सुविधा की पेश। व्यक्तिगत आयकरदाता और कारोबारी अब यूपीआई या क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स का कर पाएंगे भुगतान। एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए आयकरदाता को इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने की नहीं होगी जरूरत। सरकार ने नट बोल्ट और फास्टनर के लिए पेश किए गुणवत्ता मानदंड। इस कदम का मकसद है खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात को रोकना और घरेलू स्तर पर इनके निर्माण को बढ़ावा देना। अब देश में बिकेंगे केवल BIS मार्क वाले नट बोल्ट और फास्टनर। गैर BIS प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रहेगी पूरी तरह से रोक। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। कपड़ा मंत्रालय जल्द ही कपड़ों के लिए इंडिया साइज वाले मानक करेगा पेश। भारतीय शारीरिक संरचना के अनुसार तैयार किए गए हैं ये मानक। इन मानकों के आने के बाद ऐसे कपड़े खरीदने में होगी आसानी जो बेहतर तरीके से होंगे फिट। अभी भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के लिए अमेरिका या ब्रिटेन के मानक का करते हैं इस्तेमाल।
वंदे भारत स्लीपर कोचेस का उत्पादन टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के उत्तरपाड़ा प्लांट में जून 2025 से होगा शुरू। टीटागढ़ रेल को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 80 सेट बनाने का मिला है ठेका। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी चल रही मौजूदा वंदे भारत ट्रेन से होंगी बिल्कुल अलग। इसमें बैठने वाली सीटों की जगह यात्रियों को मिलेगी सोने वाली सीट। खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए मनी नाइन का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।